ट्रेन की टक्कर से जंगली जानवरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेल मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा में अंडरपास तथा बैरिकेड लगाना है। ट्रेन की टक्कर से जंगली जानवरों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लालकुआ से रामपुर और लालकुआ से गुलर भोज रेल मार्ग का निरीक्षण किया। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसमें रेलवे के प्रतिनिधि, WIIF और डिपार्टमेंट के लोग थे, जिनके द्वारा ट्रेन लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है और किस स्थान पे कौन कौन स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाएँ कम हो सके, उस पर निर्णय लिया जा सके। इसके उपरांत रेलवे विभाग द्वारा इसमें भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और फंड उपलब्ध होने के बाद। सहायक मंडल इंजीनियर ने सुबोध थपलियाल ने संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा में अंडरपास तथा बैरिकेड लगाना है, ताकि वन जीव सुरक्षित रूप से विचरण कर सके। ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे रैम बना के हाथी को पास पास करवाया जाएगा, बाकी सारी जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, ताकि जिससे हाथी बाकी जगह से नहीं निकले और वहीं से। आज जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया फॉरेस्ट और रेलवे ने, उसको जो है शीघ्र काम शुरू कर, अभी बैरिकेडिंग हो जाएगी तो हाथी जो है जनरली अभी तो बहुत सारी लोकेशन से पास करते हैं, तो उसके बाद कुछ पर्टिकुलर लोकेशन से ही जहाँ पर हम रैंप और अंडर पास बनाएंगे वहाँ से पास। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।